प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्मेट होता है, जो मतलब ये कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग के पहले का प्रोसेस है, जिसमें डॉक्टर या डेंटिस्ट या कहीं भी फार्मासिस्ट भी लिखते हैं, एक पर्चा लिखा जाता है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन फॉर्मेट और ऑर्डर गिवन बाई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर टू द फार्मासिस्ट टू पेशेंट। यह मैं कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन नंबर वन, प्रिस्क्राइब ऑफिस इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्राइबर का नाम, उसका क्वालिफिकेशन, कहाँ पे उसका ऑफिस है, देन आफ्टर डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच डेट वी आर प्रिस्क्राइब दिस और पेशेंट डाटा, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एज, सेक्स, एड्रेस। सुपर प्रिस्क्रिप्शन में आता है आरएस का सिंबल। इंक्रिप्शन, ये इंक्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन में नहीं है, क्योंकि हम दवा देते हैं पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, सब प्रिस्क्रिप्शन, जो कि हम इसमें प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट डायरेक्शन लाते हैं। उसके बाद साइन एंड ट्रांसक्रिप्शन, फार्मासिस्ट जो है वो देख चेक करता है, उसका ट्रांजिशन करता है, वो फार्मेसी में प्रिस्क्राइबर को ध्यान करता है। मिनिमल इंटरक्शन प्रिस्क्राइबर पेशेंट को प्रिस्क्राइबर फिर कब देना है, ये एक नंबर पे आता है। उसके बाद आता है लास्ट में प्रिस्क्राइबर साइन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे उसका ऑफिस का नेम हो गया और क्वालिफिकेशन जैसे कुछ भी हो गया, रामू क्लिनिक एंड क्वालिफिकेशन हो गई, जैसे कि MBBS है या फिर MD है एंड सो ऑन, एंड आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन नंबर, इट कंटेन्स ऑल्सो रजिस्ट्रेशन नंबर। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे एलोपैथिक होगा या फिर फार्मासिस्ट है, कुछ भी मतलब इन सब में आता है। एंड आफ्टर दैट डेट, कि किस दिन ये इशू हुआ है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन किस दिन इशू हुआ है। एंड आफ्टर दैट पेशेंट इंफॉर्मेशन, जस्ट नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट। आफ्टर दैट इंस्क्रिप्शन, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, इट कंटेन्स मेडिसिन नेम एंड मेडिकल, मतलब जो प्रिस्क्राइबर्स ने जो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब की है वो इसमें आता है, जैसे कि पैरासिटामोल उसको दी है। एंड आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन में जो फार्मा मतलब प्रिस्क्राइबर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं डोज के, वो फार्मासिस्ट को बोलने के लिए इसमें आते हैं, मतलब डोसेस के लिए। एंड आफ्टर दैट सिग्नेचरा, सिग्नेचरा में डिस्पेंस होती है, मतलब कि वो रिसीव करता है और फिर उसको जो उसमें मेडिसिन लिखी हैं उसे कलेक्ट करता है, आफ्टर दैट उसे डिस्पेंस करता है, मतलब कि पेशेंट को देता है, मतलब पैकेज करता है, पैकेजिंग करके फिर देता है, डिस्पेंस होता है। आप दे रहे हैं कि आप किस चीज के साथ दे सकते हैं, दूध के साथ दे रहे हैं कि पानी के साथ दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं। वहीं अगर ये अगला जो अगर रिन्यूअल का आता है, ये होता है कि आप अगली बार आप दवा लेने जो आ रहे हैं, तो मतलब आपको अगली बार कब लेना, कितने दिन के गैप में लेना, कितने कितने टाइम में लेना और किस किस डोज में लेना, ये इसमें आता है। इसके बाद आपका आता है सिग्नेचर, जो कि एक डॉक्टर का सिग्नेचर होता है एट लास्ट में, और उसके बाद पूरा उसका फिर यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल और वो एड्रेस वो सब होती है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में फोर पार्ट होते हैं। रिसीविंग में क्या होता है कि फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर जब पेशेंट आता है तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, प्रिस्क्रिप्शन को हमें रिसीव करना है, मतलब फार्मासिस्ट को रिसीव करना है, और रिसीव करते हुए उस
उसके फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है एंड सरप्राइज भी नहीं होना है, कंफ्यूज भी नहीं होना है, बिकॉज क्योंकि पेशेंट जो आया है वो नर्वस हो सकता है, इसलिए हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करना है। और दूसरा हमारा आता है रीडिंग एंड शेकिंग, हमें काउंटर से पीछे आना है, मतलब फार्मासिस्ट को काउंटर से पीछे आना है और उसके बाद अच्छे से बच्चे को पढ़ लेना है, उस पर डेट लिखा होगा, सिग्नेचर होगा डॉक्टर का और पेशेंट का नाम होगा, ये सब अच्छे से पढ़ लेना और उसको चेक कर लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, यानी फार्मासिस्ट को बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, और वो अपने अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने एक्सपीरियंस फार्मासिस्ट को दिखाए, अगर उनको भी नहीं समझ में आ रहा है तो अपने फोन कॉल से या फोन कॉल करके डॉक्टर के पास फोन करके उसको पूछ सकता है बिना पेशेंट को जाने हुए बताए हुए। और इसका तीसरा टॉपिक है कलेक्टिंग एंड मेलिंग, हमें बच्चे को राइट हैंड साइड में प्रिस्क्रिप्शन को राइट हैंड साइड पे रखना है और जो हमने कंपाउंड निकाला है या हमें निकालना है और उसको दवाई से निकालना है और एक लेफ्ट हैंड साइड पर रख लेना है और उसको चेक कर लेना है कि कंपाउंड हमने निकाला है वो सही है, कितने मात्रा में निकाला है, कितने डॉक्टर निकाला है, उसका सब अच्छे से देख लेना है। और उसके बाद इसका फोर्थ पॉइंट आता है लेबलिंग, पैकेजिंग एंड कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में क्या होता है, हमें उसको कंपाउंड को देख लेना है क्या क्या है एंड पैक करना है अपने, मतलब जिससे कि पेशेंट को समझ में आ जाए, इतने साफ तरीके से आपको पैकेजिंग करना है और लेबलिंग करना है जिस तरीके से डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि कैसे कौन सा डोज कितना लेना है और कैसे लेना है, इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। थैंक यू क्लास।